दिख रही है? ये यस मैम। जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, इसमें बस शुरू का पार्ट थोड़ा हेजी है, और वो भी बस बेसिक लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके आगे का सब क्लियर है, तो हो सके तो सब लोग डाउनलोड कर लो इस चीज़ को। इसमें एवरेज, इसके बेसिक्स है, एग्जांपल्स है, और एंड एक असाइनमेंट है, इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और उसमें मतलब आंसर की भी दिया हुआ है। सो एवरेजेस के बेसिक्स तो आप सबको ऑलरेडी पता ही है। एवरेज इज बेसिकली सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ पे लाइक एग्जांपल दिया हुआ है, वेट्स ऑफ 5 पीपल आर 60, 70, 80, 90 एंड 100, देन द एवरेज वेट वुड बी, सारे वेट्स को ऐड किया है एंड कितने क्वांटिटीज है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाय 5, वैसे किया जाता है। एंड ये जो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स वाला पार्ट है, ये फॉर्मूलाज है, तो हो सके तो प्लीज इसे लर्न कर लेना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस में, इफ अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ वाई किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज गिवन बाई 2xy/x-y। ओके, ऑल्सो मुझे एक चीज़ याद आया, रजत, वो जो लास्ट डे मैं क्वेश्चन लेके गई थी ना पासवर्ड वाला, तो वो मैंने सॉल्व किया है, वो यस कॉम्बिनेशन मैम। से किया जाता है। तुम लोग कॉम्बिनेशंस पढ़े हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यस मैम थोड़ा पढ़ा है। तो वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सॉल्व होगा। तो क्योंकि 10 नंबर्स है 0 से 9 तक, तो उसमें लाइक तुम्हारा आंसर होगा 10C3, एंड 10C3 को जब एक्सपैंड करोगे तो 720 आएगा, एंड लाइक 720 कॉम्बिनेशंस है, एंड एक कॉम्बिनेशन ट्राई करने में 1 सेकेंड लगता है, तो 720 ट्राई करने में 720 × 1 सेकेंड, तो 720 सेकेंड्स लगेंगे, तो फिर उसको मिनट्स पे कन्वर्ट कर लेना। इसी के लिए कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, तो अगर कॉम्बिनेशन जिसको आता होगा तो वो हो जाएगा। मैं तो को समझ में आया ना क्या करना है। टेन सी यस थ्री मैम, यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, सो इधर ये फॉर्मूलाज है A to E, प्लीज इसे लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस पार्ट में। इफ अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर एंड सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ वाई किलोमीटर, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज गिवन बाय, तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। बेसिकली इसका मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स किलोमीटर पर आर से ट्रैवल कर रहा है, एंड फिर उसके बाद वो वही सेम डिस्टेंस वाई किलोमीटर पर आर ट्रैवल कर रहा है, तो फिर उसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला लर्न करना होगा। फिर इफ अ पर्सन कवर्स 1 किलोमीटर एट एक्स किलोमीटर पर आर, बी एट वाई, सी एट जेड, देन द एवरेज स्पीड इज a+b, एक्चुअली प्लस है, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, मुझे माइनस जैसे लग रहा है, बट ये प्लस है, तो जूम करना पड़ेगा, प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये प्लस होगा। ये स्कैन करते टाइम लेके तो हेजी हो गया है, अदरवाइज ये प्लस है। a+b+c डिवाइडेड बाय a/x + b/y + c/z। आप लोग लाइक प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए कहाँ कहाँ से मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग की तरफ से जो आ रहा है वो उतना सफिशिएंट नहीं है, तो आप लोग कहाँ से कर रहे हो पहले मुझे वो बता दो, बिफोर वी मूव ऑन। लाइक एवरेज बहुत बेसिक है, मैंने इसको सब अपलोड कर दिया है, तो ये आज ऑलमोस्ट हो ही जाएगा, तो आप लोग कहाँ से क्या पढ़ते हो पहले मुझे वो बताओ, और एग्ज़ाम कब है वो भी बताओ। आर एस अग्रवाल लॉजिक के लिए है ना, वो आर एस अग्रवाल लॉजिक एंड मैथ्स दोनों का होता है। ओके, तो आप लोग इंग्लिश कहाँ से पढ़ रहे हो, इंग्लिश नहीं छोड़ो, मैथ्स और लॉजिक कहाँ से कर रहे हो, मैथ्स लॉजिक लीजिए।
और एग्जाम कब है, कोई डेट आया एग्जाम का? कोई नो मैम, आइडिया तो शायद बोल सकते शायद हो, पोस्टपोन्ड होंगी। मतलब अभी पोस्टपोन होने का? हाँ ठीक है, पहले मुझे ये बताओ क्या उन लोग एप्लीकेशन सबमिट करने का डेट एक्सटेंड किए थे क्या? मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड हुआ था क्या? हाँ यस वो मैम, एक्सटेंड हुआ था, मतलब पोस्टपोन हो जाएगा वो। जितना बार भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट बढ़ते जाएगा तो समझ जाना कि एग्ज़ाम का डेट भी पोस्टपोन होता जाएगा। वो लास्ट ईयर भी वैसे ही हुआ था। सो बेसिकली हमारे एंड से जो मॉक्स वगैरह आ रहे हैं, तो एसेंशियली होता क्या है कि हम लोग के अलग अलग टीम्स हैं। जैसे मैं सिर्फ मैथ्स में हूँ, मैं बाकी किसी टीम में नहीं हूँ, तो मैं मैथ्स का देखती हूँ। एंड वो भी मैथ्स से मैं ज़्यादातर टीचिंग वाले काम में रहती हूँ। तो मटेरियल भी जैसे अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने खुद स्कैन करके, मतलब अभी जस्ट स्कैन किया था। तो मैथ्स में भी लाइक मैं अपना खुद का यूज़ करती हूँ, आर्य अपना यूज़ करता है। बट जो मॉक्स होते हैं, जो मॉक्स के क्वेश्चन होते हैं, वो हम दोनों नहीं बनाते, वो कोई और बनाता है। सो मॉक का क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है वहाँ पे। वैसे ही हर टीम का है, वहाँ पे कुछ लोग मटेरियल बनाते हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं। तो आप लोग उतना सिस्टमेटिक वे में मॉक टेस्ट वगैरह ले नहीं पा रहे हैं आप लोग का। तो द थिंग इज़ कि इवन दो हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, आप लोग लाइक ट्राई करिए थोड़ा ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह यूज़ करने का, क्योंकि लाइक आपका प्रेप रुकना नहीं चाहिए। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो लाइक आप, या कोई भी मटेरियल वगैरह चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ है, बस स्कैन करने का टाइम नहीं मिल रहा है मुझे अभी। एंड लाइक मॉक्स वगैरह है मेरे पास। सो अपना लाइक अपना पढ़ने का स्पीड थोड़ा आगे कर लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि आपने लाइक क्लैट कंसोर्टियम वालों ने सैम्पल पेपर अपलोड किया था क्या? मतलब क्वेश्चंस के सैंपल्स अपलोड किए थे क्या? अपलोड किए थे मतलब? तो वो पिछले साल भी उन्होंने अपलोड किया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप में से किसी ने देखा है क्या? वो वेबसाइट पे होता है। यस नो? यस मैम, वहाँ पे क्वेश्चंस पे सैम्पल पेपर से, पर वहाँ पे करना पड़ता है मैम उनको 500 रुपीज़ सैम्पल पेपर अरे वो के लिए। सैम्पल पेपर के लिए पे नहीं करना होता है, वो प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए पे करना होता है। हाँ सैम्पल पेपर वो लोग अपलोड करते हैं, बी का ही होता है वो। बस तो देखो वेबसाइट पे आया होगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर के, लास्ट 10 ईयर्स का पेपर के लिए 500 रुपीज़ देना रहता है। सो एक बार देखना, क्योंकि उसमें ना पता चलता है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, किस चैप्टर से आ सकते हैं, किस टाइप के आएंगे। तो प्लीज़ वो सब देखिएगा आप सब लोग लाइक। और हाँ बोर्ड एग्जाम्स का क्या सीन है? क्लास 12th के कब हो रहे हैं? क्योंकि एवरेजेस का चैप्टर बहुत इजी है, तो उसमें लाइक कुछ ज़्यादा कराने को है नहीं। एंड ये असाइनमेंट आप लोग खुद से ट्राई करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनकी सोल्यूशन भी है। ओके सो 12th कौन कौन दे रहा है? 12th के बोर्ड्स का क्या सीन है? एग्ज़ाम्स होंगे कि कैंसिल हो गए? पोस्टपोन हो गया। ओके तो जब तक 12th का बोझ नहीं होगा तब तक क्लैट नहीं होगा। वो तो वहाँ पे ही रुक गया, छोड़ो वो सब। एंड लाइक आप लोग यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हो मतलब प्रेप वगैरह करने के लिए? बहुत सारे चैनल्स हैं वहाँ पे। लाइक आप वो सब थोड़ा यूज़ करते रहो, क्योंकि हम लोग के
एंड से लाइक मटेरियल थोड़ा इरेगुलर सा है, लाइक उतना सफिशिएंट नहीं है। बेसिकली जो हमारे एंड से आ रहा है वो बेसिक्स क्लियर करने के लिए है। स्टडी आईक्यू ग्रेड अप, ग्रेड अप का यूट्यूब चैनल है ना। लीगल एज पे जाओ तुम लोग, लीगल एज बहुत अच्छा है। मेरे एक प्रो टैलेंट करके है, आई थिंक एक प्रो टैलेंट है। और क्या क्या चैनल्स होते हैं, लीगल एज जो प्रो टैलेंट है। बेसिकली ये दो तो ज़रूरी फॉलो करना। एंड लाइक लीगल एज के ना, उन्होंने पिछले साल बहुत सारे मैराथन वीडियोस बनाए थे, एक एक दो दो घंटे के, जहाँ पे वो लोग हर हर सब्जेक्ट का सारा बेसिक सिखाते हैं। एंड फिर उसके क्वेश्चंस भी, हाँ लॉ प्रेप, और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि बहुतों को यहाँ पे समझ में नहीं भी आता है ना, तो आप लोग वहाँ पे से जाके देख सकते थे। लीगल एज में तो एक्चुअली उन्होंने बनाया था लीगल लाइट, इतना सारा मुझे नहीं पता था। मैं तो लीगल एज यूज करती थी, तो वो सब होते हैं। एंड प्लीज थोड़ा अपने से लाइक प्रैक्टिस करने का ट्राई करिएगा। एंड बुक्स वगैरह सारे बुक्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो खरीदने का भी जरूरत नहीं होता है। एक जेड लाइफ लाइब्रेरी करते हैं, zlive.org आई थिंक यही है। बहुत सारे बुक्स होते हैं। हाँ इधर लाइक ऑलमोस्ट सारे बुक्स आपको इधर पीडीएफ में मिल जाएंगे। सो एक्सेप्ट साइन अप कर लीजिएगा बस ईमेल आईडी से। ये सब चीज़ लाइक रखिएगा अपने पास। और जीके के लिए एक चैनल है, क्लाउड अफेयर्स, क्लाउड अफेयर्स था, और एक जीके टुडे। हाँ एंड देखो लाइक ये सब जिनके घर पे इंडियन एक्सप्रेस हिंदी नहीं भी आता है, या जिनको वो ई पेपर नहीं भी मिलता है, वो ये दोनों क्लाउड अफेयर्स और जीके टुडे से जा सकते हैं। ये लोग मतलब सारा न्यूज़ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में देते हैं। तो एसेंशियली बस ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप लोग लाइक खाली इधर के भरोसे मत बैठ के रहिएगा। अगर इफ यू आर सीरियस अबाउट क्लैट तो थोड़ा अपना प्रेप साइड से भी करते रहना, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि हम लोग ऐसे भी, मैं वीक में एक दिन आती हूँ, आ रहा एक दिन आता है, सब लोग वैसे एक ही घंटे आते हैं, एंड दैट इज नॉट सफिशियंट। एंड ये जितने भी नाम वगैरह मैंने बोले, तो हो सके तो प्लीज कहीं का कहीं पे सेव करके रखना। एंड अपने पे थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, बोर्ड्स वगैरह का कोई ठिकाना है नहीं, शायद होगा भी नहीं। कमिंग बैक लाइक अगर आप लोगों को हाँ पास किया पेपर्स वगैरह चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। मेरा नंबर है ना आप लोगों के पास? यस नो एनीथिंग ओके। ओके सो लाइक आपको अगर कुछ मटेरियल वगैरह चाहिए होगा तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं आप लोग तो पर्सनल पे। मैं ट्राई करूँगी स्कैन करके भेज देने का। होपफुली आज या कल में मैं स्कैन करना चालू कर दूँगी। एनीवेज लाइक ये ऑनेस्ट पेप टॉक था। प्लीज़ अपना लाइक प्रेप ठीक से रखिएगा। एंड लाइक हो सके तो ज़्यादा करके खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। एंड ऑनलाइन बहुत ज़्यादा लाइक बहुत बहुत ज़्यादा आपको सब चीज़ मिल जाएगा इजीली। जैसे कि ये है लीगल एज का, मैं इसका मैराथन वीडियो देख के ही मुझे मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे। लिटरली मैंने यही यूज़ किया था। मेरी स्क्रीन अभी भी दिख रही है ना?
आपको यस फ्री मैम, है। हाँ सो ओ ये लाइव क्लासेस कब है? अभी चल रहा है लगता है। हाँ अभी चल रहा है। नाइस। तो देखो बहुत सारा होता है इसमें, ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सब है इसमें, वीकली राउंड अप, वीडियो एनालिसिस, ये 9 आवर नॉन स्टॉप मैराथन प्रेप, इतना सारा तो है। सिकली हाँ ये वाला मैंने यूज़ किया था, नहीं ये वाला मैंने यूज़ किया था। इसके लिए पॉइंट है कि बहुत सारी चीज़ें ये मैंने यूज़ किया लेने करना था। बेसिकली लेक्चर पहले मैं बन दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं वो लोग सब चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, सो दैट्स द पॉइंट। तो प्लीज़ 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 ये सब यूज़ करते रहिएगा। लाइक मैंने क्लैट दिया है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हम जितने भी मटेरियल मॉक्स करवा रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, एंड मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लाइक जो फर्स्ट ईयर वाले हैं हम सारे, हमारे अब एग्ज़ाम्स हैं, असाइनमेंट सारे हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। एंड जो सीनियर्स वगैरह है उन्होंने बहुत साल पहले क्लैट दिया है, तो पता नहीं वो कितना करेंगे क्या करेंगे। सो प्लीज़ अपना प्लीज़ करते रहिएगा। ऑनलाइन मटेरियल बहुत ज़्यादा है, अच्छा क्वालिटी चैनल्स यूज़ करिएगा। एवरेजेस का मैंने अपलोड किया है, लाइक लीगल एज के बुक्स हैं ये सारे, सो पता चल ही रहा है कि मुझे लीगल एज कितना पसंद है। एनीवेज किसी को कुछ पूछना है रिलेटेड टू व्हाट एवर आई सेड? यस नो एनीथिंग? नाइस। अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज लाइक अनम्यूट कर सकते हो। एनीवेज मूविंग ऑन, तो ये सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स वाले पार्ट प्लीज याद कर लीजिएगा। इसमें एक्सप्लेन मतलब इसमें ये भी लिखा है कि किस केस में यूज करना है, एंड ये भी लिखा हुआ है क्या यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट दो ए एंड बी तो प्लीज याद कर लीजिएगा, बट उसके बाद वाले में लाइक यू कैन यूज लॉजिक एज वेल। लॉजिक मतलब कॉमन सेंस एज वेल, मतलब उसमें फार्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है। ऐसे व्हेन अ पर्सन लीव्स द ग्रुप एंड अनदर पर्सन जॉइंस द ग्रुप इन प्लेस ऑफ दैट पर्सन, तो बेसिकली लेट मी स्टार्ट अगेन। मेरे जैमबोर्ड दिख रहा है ना सबको? यस मैम, या बेसिकली व्हेन अ पर्सन लीव्स द ग्रुप एंड अनदर पर्सन जॉइंस द ग्रुप इन प्लेस ऑफ दैट पर्सन, तो सपोज वन सेकंड, हाँ सो सपोज देर आर 5 पीपल, सपोज देर आर 5 पीपल, ठीक है, उनके वेट्स का एवरेज लिया है हमने, ठीक है, एंड सपोज द एवरेज इज एक्स, ये एवरेज है, ठीक है, लाइक मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ। हाँ तो सपोज दैट इट्स एवरेज इज एक्स, 5 लोग थे, उनका वेट लिया, एवरेज आया एक्स, तो टोटल वेट क्या होगा? मान लो कि ईच इंडिविजुअल इंसान का वेट था ए बी, ये ईच इंडिविजुअल इंसान का ए बी सी डी और ई, तो इस केस में एवरेज क्या होता?
इस केस में एवरेज होता। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होल डिवाइडेड बाय 5। गॉड होल डिवाइडेड बाय 5 ये एवरेज होता राइट। बट हमें बता दिया कि ये एवरेज एक्स है, तो इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू एक्स। अब आप बताओ अगर मैं एक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे उन सारे लोगों का टोटल वेट तो पता चल जाएगा ना, मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई पता चल जाएगा अगर मैं एक्स इंटू 5 कर दूंगी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी राइट। कोई यस नो कुछ तो बोलो। ओके सो बेसिकली जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो जाम बोली करना बहुत झमेला है। इंग्लिश ये है तो फिर हमें ए प्लस बी यानी कि टोटल वेट ऑफ द फर्स्ट 5 पीपल फर्स्ट 5 पीपल इज इक्वल टू 5x ऑब्वियसली। तो अब इसमें मान लो कि एक इंसान कम हो गया है तो वो हमेशा बताएंगे कि कौन कम हुआ एंड लाइक उसका वेट वगैरह क्या था। तो सपोज करो एक इंसान है, कुछ भी अज्यूम कर लो उसका जो भी नाम है, उसका वेट था 50 kg एंड वो चला गया, तो न्यू टोटल क्या होगा? न्यू टोटल वुड बी ये जो पुराना टोटल था उसमें से माइनस कर दोगे उस इंसान का वेट, समझ रहे हो इस पॉइंट को? और तो फिर न्यू एवरेज होगा, बचे 4 लोग, न्यू एवरेज होगा 5x-50 डिवाइडेड बाय 4। आप तो पॉइंट समझ रहे हो लाइक क्या किया गया यहाँ पे? समझ में आ रहा है सबको? तो फिर अब इसमें जैसे कि मान लो कि ये न्यू टोटल था, अब इसी में मैंने बोला कि लाइक एक और इंसान ऐड हो रहा है, जैसे इस वाले को हटा दो, न्यू एवरेज नहीं निकाला हमने, इसमें मैंने बोला कि एक इंसान ऐड हो रहा है एंड वो इंसान जब ऐड होता है तब एवरेज होता है, मतलब आफ्टर एडिंग 1% एक न्यू पर्सन को ऐड करने के बाद न्यू एवरेज इज इक्वल टू कैपिटल वाई, ये मैंने बोल दिया। अभी टोटल कितने लोग हैं? हेलो हैदर, आई मीन टोटल लोग नहीं, कोई और नया इंसान ऐड हुआ है जो पुराना, जैसे ओरिजिनली 5 लोग थे, मान लो कि ओरिजिनली ए बी सी डी और ई थे, उसमें से ई चला गया, ई चला गया तो ई चला गया, अब कोई और नया आया है, सपोज अब एफ आया है, वैसे लाइक फिर से प्लस 50 वैसे नहीं करना है, आफ्टर एडिंग 1% लाइक आफ्टर एडिंग 1 न्यू पर्सन। ओके सो ये है, तो अब टोटल कितने लोग हुए? कितने टोटल लोग हैं? नहीं, टोटल लोग कितने हैं? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी और एफ, तो 5। सपोज उनके सारे वेट्स का सम है, न्यू सम
यू सम इज इक्वल टू जेड, ये मान लिया, चलिए आप तो कॉम्प्लिकेट हो जाओगे, तो न्यू सम को न्यू सम ही रहने दो। तो न्यू सम डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू वाई, ओके। अब ध्यान से देखना, न्यू एवरेज, न्यू एवरेज इज इक्वल टू 5, ये दिया हुआ था। क्या कर रहे हो तुम लोग? न्यू एवरेज इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू न्यू सम डिवाइडेड बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू सम इज इक्वल टू 5y। समझ में आ रहा है इधर? हम सबको समझ में आ रहा है? कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? एन ओल्ड टोटल था ये 5x-50। ओल्ड टोटल मतलब नया इंसान को ऐड करने के पहले वाला टोटल, तो 5x-50 प्लस न्यू पर्सन वेट, प्लस न्यू पर्सन वेट इज इक्वल टू 5y। एंड डोंट वरी, इतना भी ज्यादा उन लोग मतलब वेरिएबल्स नहीं यूज करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू होगा ही, सो आपको लाइक समझ में आ जाएगा। तो इन दिस वे यू विल गेट लाइक 5x-50 को दूसरे साइड में ले जाओगे तो फिर आपको न्यू पर्सन वेट मिलेगा। तो आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे यूज होता है? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मुझे बता दो। मैं तब तक इरेज कर रही हूँ तब तक प्लीज कोई अनम्यूट करके बता दो अगर नहीं समझ में आया तो। गौतम एंड ऑल, गौतम समझ में आया? गौतम समझा दो। ओके रुको, मैं पहले देखती हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं उससे समझाती हूँ। ओके पहले एक्सप्लेन करने से पहले, आप लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब पता है ना? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? आप में से कितनों को पता है? ये वाला तो एक्सप्लेन करूंगी, पहले ये मुझे बता दो। अगर आप लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता है तो बाकी का पार्ट एक्सप्लेन करना बहुत इजी है, या मैं नहीं भी करूँ तब भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। किसको किसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब नहीं पता है वो लोग लिखो चैट बॉक्स में। किसको किसको नहीं पता है जल्दी बताओ।
गॉड, आप लोग यस और नो तो बोल ही सकते हो। गौतम, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है? द बेसिक आता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए। हाँ, कॉमन डिफरेंस होता है, समझना। ओके, आई गॉट इट। आपको आता है गौतम, आपको आता है रजत, वैभव। वैभव को प्रॉब्ली आता होगा, आता है लेकिन भूल गया हूँ। तो मैंने अभी जो सिखाया है उस पर एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूँगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। आप लोग ने अगर डाउनलोड किया है ये, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना। मैं तब तक जाम बोर्ड यूज करना सीख लेती हूँ। प्लीज अभी कोई चैट बॉक्स में कुछ मत लिखना। हाँ, सो द एवरेज स्कोर ऑफ धोनी आफ्टर 48 इनिंग्स इज 48। एवरेज स्कोर आफ्टर 48 इनिंग्स इक्वल टू टोटल स्कोर आफ्टर 48 इनिंग्स डिवाइडेड बाय 48। समझ में आया? अगर जिसको नहीं आया प्लीज अनम्यूट करके बोलना। आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया ये बात, ठीक है? विच इम्प्लाइज टोटल स्कोर आफ्टर 48 इनिंग्स क्या होगा? कौन बताएगा? टोटल स्कोर आफ्टर 48 इनिंग्स क्या होगा? ओके, सो द एवरेज स्कोर ऑफ धोनी आफ्टर 48 इनिंग्स इज 48। सो एवरेज, ये दिख रहा है ना आप लोगों को? यस मैम। ओके, इक्वल टू टोटल स्कोर आफ्टर 48 इनिंग्स डिवाइडेड बाई 48। 48 इसीलिए क्योंकि उन्होंने बताया कि 48 इनिंग्स है, तो टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स 48 हुए, सो इसीलिए। अब उन्होंने बताया कि एवरेज है 48, एवरेज इज इक्वल टू टोटल आफ्टर 48 इनिंग्स डिवाइडेड बाई 48। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आप लोगों को टोटल स्कोर आफ्टर 48 इनिंग्स मिल जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे इनटू 48। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? एक्चुअली मुझे दिखेगा नहीं कमेंट्स, इसलिए आप लोग अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज अनम्यूट करके बता दो। क्या समय क्या गौतम, नहीं सुनाई समझ आ दे? रहे मैं। ओके, तो आपको टोटल स्कोर आफ्टर 48 इनिंग्स पता चल जाएगा। एवरेज वाज 48, राइट? सो
48 × 48 कितना होता है, 48 ये टोटल स्कोर आफ्टर 48 इनिंग्स है। देखो इस क्वेश्चन में ना इंडिविजुअली नहीं बताया है कि हर इनिंग्स में उसने कितना स्कोर किया, तो इस तरह से हमें बस ये पता चल गया कि 48 इनिंग्स के बाद उसके टोटल स्कोर कितना था। बस अब इससे आगे बढ़ जाना है। एंड इन द 49th इनिंग धोनी स्कोर्स 97 रन्स। टोटल स्कोर आफ्टर 49 इनिंग्स क्या होगा? क्या होगा गौतम? टोटल स्कोर आफ्टर 49 इनिंग्स क्या होगा? जब लाइक यहाँ पे उसने बताया है कि 49th इनिंग में धोनी स्कोर्स 97 रन्स, तो टोटल स्कोर आफ्टर 49 इनिंग्स क्या है गौतम? Any guesses? मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. The total score after 49 innings क्या होगा? Total score after 49 innings would obviously be total score after 48 innings plus उसने जितना भी स्कोर किया 49th innings में। इसका मतलब है कि 48 इनिंग्स में उसने जितना भी स्कोर किया वो प्लस स्कोर इन द 49th इनिंग। यहां तक समझ में आया? That would be 2304 plus score किया था plus 97 runs समझ में आ रहा है आप लोगों को? एवरेज आप क्या हुआ है ये देखो, एक सेकंड। तो 49 इन होन फोर 97 तो इसीलिए 97 डाला है। समझ में आया? यूज तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 49th इनिंग है उसने 49th इनिंग्स में, नॉट 49th इनिंग में उसने 97 रन स्कोर किए, तो टोटल जितना भी उसने रन स्कोर किया वुड बी जितना भी उसने 48 इनिंग्स के बाद तक स्कोर किया था। जैसे मान लो कि वो फर्स्ट इनिंग में 10 रन स्कोर किए, सेकंड वाले 50 रन स्कोर किया, थर्ड वाले 40 रन स्कोर किया, तो वैसे एट द एंड ऑफ 48 उसने कितना स्कोर किया होगा? 10 प्लस 3 प्लस 40 प्लस हर इनिंग में जितना भी, तो हमें पता के लिए हमने ये किया, ये बात किया ताकि हमें पता कि उसको 48 इनिंग्स ने कितने उसने स्कोर किए थे। एंड क्यों क्वेश्चन उसने बता दिया है कि उसने 49 वाले इसीलिए वो दिया हुआ। आपको समझ में आया आयुष? आप म्यूट करके बोल सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आया तो।
ओके सो एक्चुअली माय नेट इज ग्लिचिंग. अब आवाज ठीक से आ रही है कि अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है मैम। आयुष, नहीं मतलब अगर मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही तो प्लीज बता देना, मेरे नेट का प्रॉब्लम चल रहा है अभी. ओके सर, आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया कि हमने 97 ऐड क्यों किया? आयुष, ओके नहीं आया. एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? मान लो कि एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, ठीक है? बैडमिंटन है, उसमें 10 राउंड्स होंगे. 10 राउंड्स होंगे, हुए नहीं अभी तक, ठीक है? तो एक्सपेक्टेड है 10 राउंड्स. ओके, फर्स्ट राउंड में आपने स्कोर किया 2, सेकेंड राउंड में स्कोर किया 3, 10 ज्यादा हो गया है. एक्सपेक्टेड है 5 राउंड्स की, 5 राउंड्स टोटल होने वाले हैं. थर्ड राउंड में आपने स्कोर किया 1, तो व्हाट वुड बी योर टोटल स्कोर आफ्टर द 3 राउंड? बताओ. आम गाय, एक सेकेंड, लेट मी वेट फॉर हर. जिसको जिसको समझ में आ गया सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो खुद से, वरना मैं लाइक एक्सप्लेन दे रही हूँ. ओके, किसी ने कुछ चेंज किया था? सो आई विल वेट फॉर गौरी, वन सेक. ओके, या सो बेसिकली तो टोटल स्कोर आपके 3 राउंड्स क्या होगा? जिसको भी नहीं समझ में आया, जैसे गौतम, गौतम टोटल स्कोर आफ्टर 3 राउंड्स क्या होगा? 2 प्लस 3 प्लस 1 ना, दैट वुड बी 6. एवरेज होगा 6 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 2. अब मान लो आप लोग कि उसने ये नहीं बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में कितना स्कोर किया, बताया ही नहीं. उसने सीधा बोला, उसने ये भी नहीं बोला टोटल स्कोर आफ्टर 3 राउंड्स, उसने ये बस बोला आफ्टर 3 राउंड्स एवरेज वॉज 2, बस उसने इतना ही बताया. क्वेश्चन वाइज सेम है. ओके, वन सेकंड. तो बेसिकली जिसको भी नहीं समझ में आया, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस एकदम शुरू से. हो सके तो लॉग आउट मत होना, नेट इश्यूज, आई गेट इट, बट प्लीज ट्राई टू बी हियर. एंड मेरी आवाज़ नहीं आए तो प्लीज़ बता देना. जैसे एक्सपेक्टेड राउंड्स है,
फेस वन। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपने स्कोर किया 1 पॉइंट, सेकेंड राउंड में आपने स्कोर किया 2 पॉइंट्स, थर्ड राउंड में आपने स्कोर किया 3 पॉइंट्स। तो आपका टोटल स्कोर आफ्टर 3 राउंड्स वुड बी, आपने जो भी स्कोर किया उन 3ों राउंड्स में, तो दैट वुड बी 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट वुड बी 6। तो आपका एवरेज आफ्टर 3 राउंड्स वुड बी, आपका टोटल स्कोर आफ्टर 3 राउंड्स डिवाइडेड बाय कितने भी राउंड्स हुए, 3 राउंड्स हुए हैं, तो आपका एवरेज इज 2। अब मान लो यहाँ से शिफ्ट होके मैं केस 2 पे जाती हूँ, केस 2 उसने ये सब नहीं बताया, उसने कितना किस राउंड में स्कोर किया, बस ये बताया कि एवरेज आफ्टर 3 राउंड्स इज इक्वल टू 2, बस इतना ही बता दिया। एंड फिर उसने बोला यू स्कोर्ड 4 पॉइंट्स इन द फोर्थ राउंड। ठीक है, फाइंड एवरेज ये बोल दिया। क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये केस 2 का? गौरी आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, तो जब आपको इसने ये बोला कि एवरेज आफ्टर 3 राउंड्स इस 2, इसका मतलब है कि एवरेज आफ्टर 3 राउंड्स इज इक्वल टू टोटल आफ्टर 3 राउंड्स डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 राउंड हुए थे, विच इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि उसने बता दिया एवरेज आफ्टर 3 राउंड इज इक्वल टू 2। तो 2 इज इक्वल टू टोटल आफ्टर 3 राउंड डिवाइडेड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल आफ्टर 3 राउंड इज इक्वल टू 3 इंटू 2। अब मुझे ये बताओ फर्स्ट केस में एंड सेकंड केस में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? मतलब प्रोसेस नहीं, डिफरेंस क्या है? और का डिफरेंस क्या, सम का डिफरेंस? देखो फर्स्ट केस में ना हमें पता है कि उसने फर्स्ट राउंड में 1 स्कोर किया, सेकंड में 2 एंड थर्ड में 3, एंड तब जाके टोटल हुआ 6। बट सेकंड केस में हमें बस ये पता है कि 3 राउंड्स के बाद टोटल 6 है, ये नहीं पता कि उसने हर राउंड में कितना स्कोर किया। ये हो सकता है कि उसने पहले 2 राउंड में 0 स्कोर किया एंड थर्ड वाले में 6 स्कोर किया, उसमें ये भी हो सकता है कि पहले राउंड में 0, सेकंड वाले में 2, थर्ड वाले में 4, मतलब कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। हमें नहीं पता कि किस राउंड में कितना स्कोर किया, बट फर्स्ट केस में हमें एकदम डिस्टिंक्टली पता है कि उसने हर राउंड में कितना स्कोर किया। तो एसेंशियली यही डिफरेंस है यहाँ पे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे बैकवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं टोटल निकालने के लिए। समझ में आ रहा है वाली? आपको समझ में आया? यस नो प्लीज समथिंग ठीक है। अब मान लो अब इस क्वेश्चन में आगे बोला यू स्कोर्ड 4 पॉइंट्स इन द फोर्थ राउंड, तो इसका मतलब है या
टू यू स्कोर्ड 4 पॉइंट्स इन द फोर्थ राउंड, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। उसमें इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि आपने 4 राउंड्स के बाद टोटल 4 पॉइंट स्कोर किए, नहीं, इस लाइन का मतलब बस इतना ही है कि फोर्थ राउंड में आपका स्कोर था 4। वैसा ही वो क्वेश्चन था जिसमें उसने बोला था 49th इनिंग्स में धोनी स्कोर 97 रन, का मतलब बस इतनी है कि 49th इनिंग्स जो थी उसमें उसने 97 रन स्कोर किए। जैसे इधर इसने इधर क्वेश्चन में बोला गया है कि फोर्थ राउंड में उसने 4 पॉइंट स्कोर किए। समझ रहे हो आप आयुष गौरी, समझ में आया? अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज बता देना। सो अब फोर्थ राउंड में आपने 4 पॉइंट स्कोर किए, तो आपका टोटल पॉइंट्स आफ्टर 4 राउंड्स इज इक्वल टू आपका टोटल आफ्टर 3 राउंड, मतलब आपने जितना भी तीनों राउंड मिला के स्कोर किया, प्लस आपका फोर्थ राउंड का स्कोर। दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 10। समझ में आया आप लोगों को? ओके गुड। तो ये मतलब ये थोड़ा इजियर वर्जन है उस क्वेश्चन का, तो इसको देख लो। तो अब इसके बाद तो अब एवरेज आफ्टर 4 राउंड्स क्या होगा? एवरेज आफ्टर 4 राउंड्स इज इक्वल टू टोटल आफ्टर 4 राउंड्स डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 राउंड्स हुए थे। दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4। समझ रहे हो? मतलब 5/2, यानी कि 2.5। समझे? यहां तक किसको किसको नहीं समझ में आए? जिसको जिसको नहीं समझ में आया प्लीज मुझे बता देना। ठीक है, अब मान लो इस क्वेश्चन में उसने बोला यू वॉन्ट योर एवरेज 4 आफ्टर 5 राउंड्स टू बी 3, हाउ मच शुड यू फोर इन द फाइनल राउंड? फाइनल राउंड इसलिए बोला क्योंकि पहले ही बताया था ना कि इसमें लाइक दे एक्सपेक्टिंग 5 राउंड्स। हाउ मच शुड यू स्कोर इन द फाइनल ओवर? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया ये वाला पार्ट? यू वॉन्ट योर एवरेज स्कोर आफ्टर 5 राउंड्स टू बी 3, हाउ मच शुड यू स्कोर इन द फाइनल राउंड? तो आपका स्कोर आफ्टर 4 राउंड्स इज इक्वल टू 10, ये तो ऊपर में दिया हुआ ही है, हमने कैलकुलेट किया था टोटल पॉइंट्स आफ्टर 4 राउंड्स, इट्स 10। सपोज मान लो आई स्कोर एक्स पॉइंट्स इन माय 5th राउंड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो मेरा एवरेज स्कोर आफ्टर 5 राउंड्स इज इक्वल टू टोटल स्कोर आफ्टर 5 राउंड डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 राउंड हुए थे।
सो मेरा टोटल स्कोर आफ्टर 5 राउंड्स वुड बी 10 प्लस एक्स। यहां तक किसको किसको नहीं समझना है? किसको किसको नहीं समझना है ये पार्ट? मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, गौतम आ रहा है, बाकी गौरी ओके ओके गौरी संजना गुड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बता दिया है कि यू वांट योर एवरेज स्कोर टू बी 3। यहाँ पे दिया हुआ है यू वांट योर एवरेज स्कोर आफ्टर 5 राउंड्स टू बी 3। उसका मतलब है 3 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5। हमने हर जगह पे वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप सिंप्लीफाई करने के लिए। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? आपको 5th राउंड में कितना स्कोर करना है? एनी आइडिया? आप, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? गौरी गौतम संजना, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, ओके ठीक है। तो अब इस चीज को बस आपको सिंपलीफाई करना है एक्स की वैल्यू को पता करने के लिए। ठीक है, तो आपको 5th राउंड में एक्स स्कोर करना है। तो एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 5। यू हैव टू स्कोर 5 पॉइंट्स इन योर 5th राउंड। बस यही था, समझ में आया आप लोगों को? गौरी समझ में आया? गौरी गौतम मैम, हेलो मैम, एम आई हाँ ऑडिबल? गौरी, मैम, हाँ 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 बोलो। ये जो हमने 5th राउंड का एवरेज ओके, हाँ वो मैंने देखा, लॉग आउट हो गई है, तो कोई बात नहीं, आके पूछ लेगी। किसको किसको यहाँ तक नहीं समझ में आया? ये वाला एक बहुत कॉमन वैरायटी है एंड लाइक ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो प्लीज बता दीजिए। ओके ये सेकेंड वैरायटी, यस आयुष आपको समझ में आ गया? ओके गौतम आपको समझ में आया? एक्स एक्स का वैल्यू 1.5 कैसे हो रहा है? देखो सिंपलीफाई ऐसे करना है, 3 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 3 इंटू 5। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना गौतम?
ड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं है। ओके सो आई थिंक आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है। तो देखो एसेंशियली वो कुछ ऐसा था, 3 इज इक्वल टू 10 प्लस, यहाँ क्यों लिखा? तो बेसिकली इट्स समथिंग लाइक, मतलब कैसे दिखाऊँ मैं आपको, मतलब आपको 1.5 कैसे आया पहले आप मुझे वो बताओ। 10 प्लस x इज इक्वल टू 10x कैसे आएगा? मैम ऐड कर दिए थे, किस चीज को? 15 इक्वल टू 10 प्लस x इक्वल टू 10x। नहीं 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 होगा, सॉरी। 10 प्लस x कैसे 10x होता है? वो तो 10 into x 10x होता है ना। देखो अगर आपको बेसिक से प्रॉब्लम है ना, तो आप नेट पे से गूगल करके रेफर कर लो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है या आपको याद नहीं है ठीक से, तो जो एलजेब्रा के बेसिक्स होता है वो आप गूगल पे देख लो। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? होपफुली हाँ आ गया, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो होपफुली इट्स यस। तो बेसिकली यही था वो क्वेश्चन नंबर टू। एंड गौतम आपके लिए बता रही हूँ मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना मान लो कि फर्स्ट नंबर है 1, सेकेंड नंबर है 2, तो 1 और 2 के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है मान लो नंबर्स 1 और 2 नहीं है, नंबर्स 10 है और 11 है, तो 10 के बीच का डिफरेंस 1 है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना सारे नंबर्स सीरीज के ऐसे होंगे, सबके बीच में डिफरेंस 1 होगा, 13 14। वैसे मान लो ऐसे भी हो सकता है, फर्स्ट नंबर 10 है, सेकंड नंबर 15 है, 5 का डिफरेंस है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है तो थर्ड वाला 20 होगा, तो 25 होगा, मतलब सबके बीच का डिफरेंस कॉमन। समझ रहे हो आप? ओके बेसिकली यही था। आप लोग प्लीज एवरेज वाला शीट सॉल्व करने का कोशिश करना, इसमें सारे एग्जांपल्स वगैरह एक्सप्लेनेशन के साथ दे हुए, ये मैंने एक बुक से स्कैन किया है, तो प्लीज आप इसको रीड करिएगा खुद से। एंड जो जो नहीं समझ में आता है आप लोग या तो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल पे टेक्स्ट करिएगा, ग्रुप पे नहीं, पर्सनल पे टेक्स्ट करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, या अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास से पूछ सकते हो। ठीक है हेलो, क्योंकि एवरेज में मतलब आई डोंट नो, कुछ ऐसे एक्सप्लेन करने का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का ज़रूर ट्राई करो। तो क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करना एंड फिर उसके बाद हम लोग लाइक एक सेकेंड। तो बेसिकली आप लोग प्लीज खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो एंड नेक्स्ट क्लास में जो जो नहीं आए वो पूछ लेना। या मैम थर्ड एंड थर्ड वाले का हिंट, लेट मी सी द क्वेश्चन। वन सेक क्वेश्चन देख लेंगे।
ओके, आपको हिंट चाहिए? तो बेसिकली ऐसे कुछ होगा, जैसे मान लो कि एन नंबर ऑफ पीपल है, तो एन नंबर ऑफ पीपल से ना आपको बस यही पता चल रहा है कि टोटल एन है, ठीक है। उसके बाद उसने बताया, जैसे मान लो एवरेज होगा टोटल एज ऑफ उतने एन लोग डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 42। एवरेज का फॉर्मूला में बस आप सब चीज फिट करने की कोशिश करो। अब उसने बोला कि एक इंसान का एज उन्होंने 20 साल कम कंसिडर कर लिया था, इसका मतलब है कि उस इंसान का जो भी उसने एज कंसिडर किया है उसमें 20 ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल एज ऑफ एन नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज। समझ रहे हो? तो उसके बाद अब उसने लिखा है कि उस इंक्रीज के बाद, तो आपको बस टोटल एज ऑफ एन नंबर ऑफ पीपल प्लस 20 डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 43 करना होगा, क्योंकि उसने बोला कि न्यू एवरेज इंक्रीजेस बाय 1। तो आपको बस ये सिंप्लीफाई करना है। अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन बना के भेज दूंगी या मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगी। प्लीज आप लोग क्वेश्चंस, एंड हाँ, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठना, पहले रूल्स एंड एग्जांपल्स जो है वो प्लीज पढ़ना, पहले डायरेक्टली क्वेश्चंस मत पढ़ना। ओके, इस चैप्टर में देखो मटेरियल टीम का पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ में आता उनका क्या सीन है, तो मेरे पास जो बुक है मैं उसी से क्वेश्चन स्कैन करके भेजा करूंगी। इसके बाद वाला जो एवरेजेस का मतलब चैप्टर है, एवरेजेस से बस इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है तो उसको मैं भेजूंगी, एंड उसमें डिटेल सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, लाइक खाली आंसर्स का ऑप्शन नहीं है, डिटेल सॉल्यूशन भी है, तो वो भी मैं स्कैन करके उसी पोस्ट में एडिट करके डाल दूंगी। तो आपका एवरेजेस का चैप्टर टोटल इसी में कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। ओके, तो अभी रैप अप करते हैं, अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दो, एंड लाइक रजत आई थिंक यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग, लाइक रिकॉर्डिंग का काम हो गया है।